प्रयागराज में जम्मू के उधमपुर में तैनात सेना के एक हवलदार की हत्या से सनसनी फैल गई। दो महीने पहले छुट्टी पर आए हवलदार की हत्या से परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल ये घटना धूमनगंज थाना क्षेत्र के टीपीनगर इलाके की है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम लगभग 8:30 बजे हवलदार आशुतोष सिंह अपनी कार से जान पहचान की एक 20 साल की लड़की के साथ टहलने और उसे समोसा खिलाने निकले, जिसके बाद रात करीब 10 बजे लड़की ने आशुतोष के घर वालों को खबर दी कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। खबर मिलते ही परिजन और पुलिस मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद घायल हवलदार को पहले निजी अस्पताल और बाद में मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन मिलिट्री अस्पताल के डॉक्टरों ने 38 साल के आशुतोष को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद मृतक के पिता अशोक कुमार सिंह ने आशुतोष के साथ गई लड़की के खिलाफ हत्या और साजिश करने का मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करके मामले की छानबीन में जुट गई। इतना ही नहीं, इसके बाद क्राइम ब्रांच को मामले की जांच के लिए लगा दिया गया। फिलहाल हवलदार पर हमला करने वाले आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही है। वही लड़की के बार बार बयान बदलने से ये कहानी उलझती ही जा रही है। पहले लड़की ने अपने साथ छेड़छाड़ होने की बात कही, फिर वो अपने साथ गैंग रेप होने की बात करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। श्री अशोक सिंह है, उनके तहरीर आई थी जिसपे अभियोग पंजीकृत किया गया है 302-120B का। उन्होंने उसमें आरोपित किया कि शाम को 8:30 बजे अपने निजी कार से जो उनका बेटा मृतक आशुतोष सिंह घर से निकला था और साथ में एक लड़की जो पास की ही रहने वाली है उनके साथ गई थी, और वो फिर देर रात को जानकारी मिली कि उनको वहाँ पे किसी कुछ लोगों ने मार पीट कर दिया उनके साथ और उनको हेड इंजरी आई है। और हम लोग जब उस सूचना पे गए तो मरणासन पर हुए थे, उनको अस्पताल लाया गया जहाँ डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया गया, जिस पे उन्होंने एक शंका आशंका जाहिर किया था कि इसमें जो साथ में लड़की गई थी वो उस पर संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने FIR दी थी। FIR पंजीकृत करके जब आरंभिक विवेचना स्टार्ट की गई है तो पूछताछ में फिर लड़की ने अपनी बातचीत में बताया कि नहीं, घटना के जो वहाँ पे गए थे कार लेकर के उस स्थान पर, वो लोग दोनों लोग कार में बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे कुछ लड़के आए जो गाड़ी के आगे से हट नहीं रहे थे, तो ये हॉर्न दे रहे थे, वो उस पर भी वो नहीं हट रहे थे। इस पर कुछ कहा सुनी हो गई उनके बीच का, फिर उन्होंने बताया कि नहीं हम फोर्स में हैं, PSC बोला इन्होंने, जबकि हैं ये आर्मी में थे, हवलदार हैं, तो इन्होंने PSC बोला। इस पर लड़कों से गुत्थम गुत्था हो गई, फिर उन्होंने इनके ऊपर कुछ पथराव कर दिया, वहाँ पत्थर ईंटे पड़े हुए थे उससे प्रहार कर दिया, जिससे वहाँ पे कोमा में चले गए थे। इसके बाद इसका अब इतनी बात और है कि हमारे बांह को पकड़ कर भी वो लोग ले गए थे और मेरे साथ जो है वो बुरा काम करने का प्रयास किया। फिर अभी दूसरे स्टेटमेंट जब बाद में दी तो उसमें बता रहे कि नहीं, मेरे साथ बुरा काम किया, हमने तत्काल अभी इनका जो है जो प्रोसीडिंग्स है, हमने इनका जो अधवस्त्र है वो तत्काल महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर्स को बुला करके उसे सुरक्षित किया गया है, उसे हम रिजर्व करा रहे हैं, सही उसके भेजेंगे परीक्षण के लिए और उनको मेडिकल भेज रहे हैं, बयान कराएंगे, और पूरी टीम लग गई है, जल्दी ही हम अभियुक्त गिरफ्तार करेंगे। क्या लड़की बार बार बयान भी बदल रही है? हाँ, 1-2-3 बार अपने परिजन को बदला, जिसे उस जानकारी में जब है उसको उसके ऊपर आरोपित कर रहे हैं ये परिवार के लोग, तो थोड़ा विचलित हुई। आखिर इस हत्या के पीछे क्या वजह थी ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन मामला सेना से जुड़े होने के चलते पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ यूपिता